सीएम योगी ने बापू भवन में निजी सचिव की आत्महत्या की कोशिश के मामले पर सख्त रुख अपनाया है। सीएम ने मामले को संज्ञान में लेते हुए बापू भवन समेत सभी सरकारी कार्यालय पर असला ले जाने पर रोक लगाई गई है। सचिवालय समेत सभी संवेदनशील शासकीय कार्यालयों में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम करने के लिए कहा गया है। साथ ही सीएम योगी ने अपर मुख्य सचिव गृह एडीजी कानून व्यवस्था व सचिवालय प्रशासन के साथ गहन समीक्षा कर रिपोर्ट देने को भी कहा गया है। इसके अलावा महिला कर्मचारियों की सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान देने के लिए कहा है। सीएम योगी ने लिया एक्शन। सचिवालय सहित सभी संवेदनशील शासकीय कार्यालयों में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम करने के लिए कहा जा रहा है। साथ ही सीएम योगी ने अपर मुख्य सचिव गृह एडीजी कानून व्यवस्था व सचिवालय प्रशासन के साथ गहन समीक्षा कर रिपोर्ट देने के लिए भी कहा गया है। इसके अलावा महिला कर्मचारी की सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान देने के लिए कहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे प्राइम टीवी के ब्यूरो हेड नितिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो नितिन, ये बताइए कि किस तरीके से जो सीएम योगी ने जो ये फैसला लिया है कि अब कोई भी पर्सन वहां पे असला लेके नहीं जा पाएगा, तो आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए श्वेता, अभी कुछ दिनों पहले जैसा मामला निकलकर सामने आया था जहां पर निजी सचिव ने सचिवालय के अंदर खुद को गोली मार ली थी, और उसके पहले भी कई सारे ऐसे मामले निकलकर सामने आए हैं जहां पर विधानसभा या बापू भवन या सचिवालय में जो सुरक्षा है उसमें सेंध लगी थी। उस दौरान भी सरकार की तरफ से कोशिश की गई थी कि जो सुरक्षा इंतजाम है उसे बेहतर किया जाए, और उसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब सख्त होते हुए नजर आए हैं। उन्होंने अधिकारियों को साफ तौर पर यह निर्देश दे दिया है कि कोई भी कर्मचारी, कोई भी अधिकारी या फिर कोई भी जो अनुगातुक है जो आ रहा है सचिवालय में या फिर विधानसभा में या फिर बापू भवन में, उसके पास असलहा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो पान मसाले जैसी जो सामग्री होती है, धूम्रपान की जो सामग्री होती है, वो भी उसके पास नहीं होनी चाहिए, और इसकी जो पूरी जांच पड़ताल है वो गेट पर ही कर ली जाए, और अगर ऐसा किसी के पास होता है तो उसे अंदर आने की अनुमति नहीं दी जाए। इसके अलावा कहीं ना कहीं एक अहम बात यह भी है श्वेता, क्योंकि महिला सुरक्षा को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी सजग दिखते हैं, तो उन्होंने सचिवालय और इन सरकारी कार्यालयों में महिला जो कर्मचारी हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए भी काफी सख्त कदम उठाने की बात कही है। और ये सारा जो निर्देश है ये कहीं ना कहीं जो सचिव गृह हैं, प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी और कानून व्यवस्था के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको दी गई है। नितिन, ये बताइए कि जो महिला की सुरक्षा के लिए भी और चीजें सुरक्षा के लिए बात चल रही है, तो उसमें सुरक्षा किस तरीके से की जाएगी? जिस तरह से देखा जाए कि सचिवालय या फिर सरकारी कार्यालयों में अगर कोई महिला कोई फरियादी भी आ रही है या फिर वहां पर जो महिला कर्मचारी काम कर रही हैं उनको किस तरह से सहूलियत दी जा सकती है, क्योंकि सचिवालय का अगर हम देखें या फिर विधानसभा का देखें तो जो सीढ़ियां हैं उन सीढ़ियों पर भी चढ़ने के लिए लिफ्ट की जो बंदोबस्त है वो करवाई गई है, तो ऐसे में वो जो लिफ्ट है वो प्रॉपर चलती रहे। इसके अलावा जो वॉशरूम की जो समस्याएं देखी जाती रही हैं महिलाओं के लिए, उसकी समस्याओं का निराकरण हो सके, तो इस तरह के जो प्रमुख कदम है वो सारे अधिकारियों को उठाने जरूरी हैं, क्योंकि अब मुख्यमंत्री का जो निर्देश है वो आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आगे खबर के लिए हमारे साथ बने रहे प्राइम टीवी पर। और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।